अरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग के सभी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद आरबी इज ऑर्गेनाइजिंग अ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैप्सूल फॉर 14 डेज फॉर अग्निवीर स्कीम। इन दिस कोचिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वी हैव द मिशन टू प्रिपेयर द यूथ ऑफ वेस्ट कामेंग फॉर अ लाइफ इन द इंडियन आर्मी। सो आई वुड लाइक टू गिव यू सर्टन डिटेल्स अबाउट दिस ट्रेनिंग कैप्सूल। द ट्रेनिंग इज सपोज टू बिगिन फ्रॉम 3rd of October 2023 एंड द ट्रेनिंग विल बी फॉर 14 डेज। फॉर दिस टाइम वी हैव कैप्ड द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एट 50 फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम विद कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आर डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस मॉडल करियर सेंटर एंड द नोडल ऑफिसर फॉर विच इज आर डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्री खांडू थुंडोक। And you can contact our young professional Monica Kumari at the phone number 9233989584. So for this program, it will be a residential program, or local aspirants can also choose to stay at their residence, and the venue of the program would be Bombdila. And under this program, we will have master trainers from Army who will teach you कि आर्मी में कैसी लाइफ रहती है, और आपको मोटिवेट करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप एक इंडियन सोल्जर बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देना है और क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसमें। तो जिनको भी इस प्रोग्राम में ऑप्ट करना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करें बॉम्बिला हेडक्वार्टर पर। एंड 2nd October तक आपको बॉम्बिला हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे हम आपको फ्री अकोमोडेशन देंगे, बट आपको बेडिंग अपना खुद लाना पड़ेगा एंड नॉमिनल चार्जेस फॉर फूड विल बी चार्ज्ड। अदरवाइज द कोचिंग इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इस फ्री ट्रेनिंग, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड कोचिंग का फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको इंडियन आर्मी में इंटरेस्ट है तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ें। इवन इफ आप ये एग्जाम आगे नहीं देना चाहें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्योंकि हमारा आर्मी के मास्टर ट्रेनर्स आ रहे हैं इसमें। तो आप और आपको आइडिया लग सकता है कि वेदर आपको सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना है या किसी और CAPF में जाना है या पुलिस सर्विस में जाना है इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो मैं इनक्रेज करूँगी कि लार्ज नंबर्स में सीरियस कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन करें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मी का जो कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हो रहा है अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हमारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो हैं वो आर्मी में उनकी रिक्रूटमेंट हो और वो ये एग्ज़ाम पास कर पाएं। अभी आफ्टर दिस वीडियो वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द प्रोग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट आर यंग प्रोफेशनल लाइक आई सेड बिफोर मोनिका कुमारी 9233989584 पे। थैंक यू। मेरा नाम खांडू थोंगडोक है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन आर्मी के साथ जो 16 सिख रेजिमेंट है अंडर 106 ब्रिगेड, उनके साथ कोलेबोरेशन करके अग्निवीर रेसिडेंशियल कम डे प्री रिक्रूटमेंट कोचिंग एंड ट्रेनिंग कराने का वो किया हुआ है, आगे कराएंगे हम लोग। तो इसका जो मिशन है वो है हमारे जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ से अभी जवान जवान जो अभी निकले हैं, जो आइदर क्लास 10 पास करके जो पढ़ाई छोड़ दिए, क्लास 12 पास करके जो छोड़ दिए हैं, वो लोग अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो ये अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो ये ट्रेनिंग में मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रेनिंग कैप्सूल एग्जैक्टली कैसा होगा। आपको इससे पहले डीसी मैडम ने भी बता दिया है क्या है, मैं आप लोगों को और थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा वो 3 किले होगा, एक जनरल ड्यूटी सोल्जर, एक क्लर्क किले और टेक्निकल एंट्री में होगा। टेक्निकल एंट्री में आपका शायद जैसे इलेक्ट्रिशियन लोग हो गया, उसके बाद प्लम्बिंग वम्बिंग ना, तो उन सब किले। तो जनरल ड्यूटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास विद एन एग्रीगेट ऑफ 45% एंड मिनिमम 33% इन ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो इनका भी कुछ हाइट का भी कुछ है, हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 kg। तो थोड़ा डिटेल्स है ना, तो वो हम लोग अपलोड कर देंगे अभी इसके बाद। लेकिन जो एज है, एज सब में सेम है, एज आपको
17 साल 17.5 ईयर्स और 23 साल का बीच होना है, तभी आप ये एग्जाम दे पाएंगे। ये अग्निवीर का जो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्राइम नरेंद्र मोदी जी ने जो ये इनिशिएटिव लेके जो ये अग्निवीर का अभी आप लोगों को रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो उसके बाद जो ट्रेनिंग कैप्सूल है आपका ट्रेनिंग कैप्सूल हम लोग इफेक्टिवली 3 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हैं 2023 3 अक्टूबर ट्यूजडे पड़ता है वो। 14 डेज का ट्रेनिंग होने वाला है और हम लोग अभी सिर्फ 50 बच्चे लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी देंगे हम लोग को, और आप लोग अगर बॉम्बिला या यहाँ आसपास जैसे पेरूम हो गया, सेरावस्ती हो गया, इवन आप अगर थोड़ा और नीचे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है तो आप मतलब सुबह सुबह आके सुबह से शाम ट्रेनिंग कर सकते हैं यहीं पर। उसके बाद लेकिन जो अकोमोडेशन करने आएंगे यहाँ पे उनको अकोमोडेशन दिया जाएगा, लेकिन बेडिंग आपको खुद लेके आना पड़ेगा ना। उसके बाद खाना के लिए थोड़ा नॉमिनल फीस हम लोग लेंगे 14 डेज का। बाकी जो आपका ट्रेनिंग का स्केड्यूल होगा तो सुबह आपका मॉर्निंग में फिजिकल ट्रेनिंग होगा, पीटी होगा, फिर शाम को जो आपका स्पोर्ट्स कराएंगे और एग्जाम का कोचिंग भी होगा। तो ये एग्जाम का कोचिंग में अग्निवीर के लिए वो जो आर्मी पर्सनल आएंगे वो लोग आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो कैसे ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे तो वो सब सिखाएंगे आप लोगों को। और आप लोगों के साथ ही रहेंगे ये लोग भी यहीं पे, जहाँ पे रेसिडेंशियल जो बच्चे यहाँ रेसिडेंशियल ऑप्ट करेंगे तो वो भी साथ में उनके साथ ही रहेंगे। स्पेशल स्पीचर्स होंगे, आर्मी ऑफिसर्स लोग आएंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे क्या होता है आर्मी में, लाइफ कैसा होता है, इंटरेक्शन होगा, वीडियोज दिखाए जाएंगे आप लोगों को। सर ये एग्जैक्ट डेट जो कब से है आपका ट्रेनिंग कब से होगा? एग्जैक्ट डेट 3 अक्टूबर है 2023। तो जो यहाँ रेसिडेंशियल जो अप्लाई करेंगे, रेसिडेंशियल जो रहने के लिए है, तो उनको जो 2 अक्टूबर को आना होगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा बॉम्बिला एयरपोर्ट। सर किस तरह से आप लोग के साथ संपर्क करना है, कांटेक्ट किस तरह से करना है सर, उसको एक बार बता दीजिए फिर से। ये एक तो मैंने आपको नंबर बता दिया, और यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, आप यहाँ भी आके क्या बोलता है डिटेल्स ले सकते हैं क्या है। बाकी आप आजकल आना भी जरूरी नहीं है, आप फोन पे बात कर लीजिए, आपको फॉर्म वॉर्म दिया जाएगा, उसको भर के आप लेके आइए।